जयपुर के कोस्तागुड़ा पारा में वन भूमि क्रमांक 319 का उपयोग लाश दफनाने में किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि शासकीय मिलीभगत से शासकीय जमीन को जमीन का पट्टा बनाकर अवैध रूप से हथिया लिया गया है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट को विज्ञप्ति सौंपते हुए अपनी मांगों को रखा, जिसे लेकर बीजेपी ने कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। वहीं उप सरपंच का कहना है कि तहसीलदार और पटवारी न अकाउंट ब्लॉक से मिली भगत कर शासकीय भूमि के पट्टा बनाकर शमशान घाट को से देख बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत सोनपुर का है ये करपौंड विकासखंड बकौंड विकासखंड का मामला है। इसमें ये जो देवांगन है कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके एक पट्टा बना लिया है और उस मांग को लेके पट्टा निरस्त कराने की मांग को लेके गांव वाले यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये जो जमीन है मुख्य रूप से मरघट का भी जमीन है और सरकारी जमीन है। पेशा कानून के अंतर्गत बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई भी अवैधानिक तरीके से पट्टा नहीं बना सकता। ग्रामीणवासी सोनपुर गांव से आए हुए हैं, काफी समय से परेशान है इनको। आज करीब 250-300 की संख्या में जगदलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे, इनके द्वारा हमको संदेश मिला और मैं अपने प्रतिनिधि मंडल के रूप में अपने साथियों के साथ कलेक्टर साहब से मिला और हमने बात रखा कि ये विषय है जिसमें इस जिस जगह की विवादित जमीन है। जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस क्षेत्र के विवाद चल रहा है, जो जमीन जो है पट्टा बनाया गया है उसको हम और मतलब पैदाइशी से जो है उसको एक कब्रिस्तान के रूप में देख रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर